फेमिनिज्म का मतलब है कि वो ऐसा होना चाहिए, फीमेल लीड इज द एवरीथिंग। अभी भी हमारे कंट्री में छोटे गांव में ऑफकोर्स वुमेन डिपेंडेंट है बहुत, तो जगह आप जाएं तो औरतों पे बहुत पाबंदियां हैं। उसमें सब जेंडर्स को इक्वालिटी होनी चाहिए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नमस्कार, मेरा नाम है रागिनी खन्ना। हाय, मैं हूँ आदा शर्मा। हाय, आई एम किरण राव। और मेरी तरफ से वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। क्या स्टिल वुमेन आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन मेन इन आवर कंट्री? यस ऑफ कोर्स। It depends where women are. It's easy for you and me to probably sit in a city and say that we are not financially dependent. I think वो जो तराजू है वो पहले ऐसे था, और feminism का मतलब है कि वो ऐसा होना चाहिए, उसमें सब genders को equality होनी चाहिए ताकि सबको equal opportunity मिले। I mean it's the fact is that women often are not paid for their labor. वो जो काम करती हैं उनके लिए तो पैसे मिलते नहीं हैं। आप घर में इतना सब कर रही हैं तो आप actually भागीदार हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं घर में इट शुड बी योर्स बाय राइट। बट अभी भी हमारे कंट्री में छोटे गांव में ऑफ कोर्स वुमेन डिपेंडेंट है, नॉट आउट ऑफ देयर ओन चॉइस दैट दे वांट टू आल्सो बी, बट ऐसे होंगे काफ़ी। अनफॉर्चुनेटली वुमेन डू नॉट हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है इन दिस कंट्री एंड इट एक्चुअली इवन रिफ्लेक्ट्स इन सिनेमा हॉल्स। देखिए, मैं टेलीविजन से आती हूँ, ठीक है, और टेलीविजन में फीमेल लीड इज़ द एवरीथिंग, हीरोइन इज़ द बी ऑल एंड द एंड ऑल ऑफ द शो। तो आई एम ऑब्वियसली द हाइएस्ट पेड, आई एम ऑब्वियसली इवन इफ आई एम नॉट द हाइएस्ट पेड बिकॉज आई वॉज अ न्यू कमर, बट इफ यू आर टेलिंग मी इफ आई एम कंपेयरिंग माई प्राइस टू अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर 20 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, देन दैट्स सिली ऑन माई पार्ट। करेक्ट, क्योंकि जब सबको अपॉर्चुनिटी एक जैसी मिलती है और समाज की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती तो हमें पता चलता है हमारा पोटेंशियल क्या है। इट्स नॉट अबाउट नो पैसा एंड लॉट ऑफ, देयर कैन बी लॉट ऑफ मनी आल्सो एंड यू कैन स्टिल कीप द वुमन अबाउट। आई डोंट थिंक फाइनेंस हैज एनीथिंग टू डू, वो नियत की बात है शायद, बट आई थिंक द परसेंटेज इज ग्रोइंग वेयर वुमेन आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट एंड बट एवरीवेयर इट्स नोन देयर आर वुमेन जहाँ बहुत दब के वुमेन को रखा भी गया है एंड आई एम श्योर इन सिटीज आल्सो वो भी है। वरना किसी भी घर में आप सोचिए, एक इंसान अगर कमा रहा है तो आपको पता नहीं कि उस घर में जो मदर हैं या जो औरत हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर क्या क्या कर सकती हैं, घर में बेटी है तो मतलब उस तरह से बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इसको देखना पड़ेगा। ज़्यादातर मर्द होते हैं हॉल्स में, अभी थोड़ा बहुत बदला है लेकिन इतना नहीं बदला कि, क्योंकि आर्थिक जो एक तरह से इंडिपेंडेंस है वो औरतों के पास है नहीं, दे डोंट हैव मनी टू बाय टिकट्स। बट या आई डू थिंक वुमेन नीड टू बी मेड मच मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इन एवरी वे गिवन मोर चॉइसेस, गिवन मोर राइट्स ओवर देयर लाइफ, ओवर देयर यू नो हाउ दे व्हाट दे चूज टू डू विद देयर लाइव्स। यू आर पेड फॉर योर एक्सपीरियंस, यू आर पेड फॉर एक्सपर्टीज, यू आर नॉट पेड फॉर एनी अदर रीजन अदर देन योर स्किल सेट। एंड इवन इफ योर स्किल सेट इज सुपीरियर, बट अगर आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट उतना बड़ा नहीं है, जैसे मैंने इंडी पिक्चरें की हैं तो इंडी पिक्चर में बजट्स नहीं होते, दैट बजट इज नॉट अ डिमार्केशन ऑफ हाउ आई एम एज अ टैलेंट। हमारे देश में वी हैव पीपल हु लिटरली एग्जिस्ट इन डिफरेंट सेंचुरीज एट द सेम टाइम, कि ऐसे ख्यालात भी बहुत हैं जो लोग सब्सक्राइब करते हैं कि लोग औरतें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऐसा ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। बहुत जगह आप जाएं तो औरतों पे बहुत पाबंदियां हैं, तो ये तो बात कहीं कहीं तो बहुत बदलाव आए हैं और कहीं कहीं नहीं, और ये फिल्म से भी आएंगे मैम। आई होप सो। या नहीं, कोशिश एक्चुअली आई थिंक हर गवर्नमेंट, हर बहुत सारे कम्युनिटीज़ में कोशिश जारी है कि औरतों को समानता के स्तर पे लाएं, कुछ यू नो हमारे ख्याल बदलें औरतों के प्रति, लेकिन धीरे 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 हो रहा है शायद।